गाइस भूमि को भूमि ने आदू को ढांक दिया आदू रोड़ा। तो गाइस अमृतसर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8:41। ठंड भी है। अभी कहाँ जाएंगे अपन? चाय टपरी पे पियेंगे फिर ना घूमने आज पे टाँग दो फिर हाजिर हो रो। लोग पूछना का तुम जगे तब से तुम नजर में आ रहे हो। बता चले यार कैसे डालो बना दा ये क्या जरूर बता। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे खालम आप तो होना है धोके और माथे पे ये बांध लिया है। ये लोग आ रहे हैं, इनका वेट करेंगे और इनके साथ चलेंगे अंदर। और ना सच बताऊं ये जगह देख के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ गए। बहुत अच्छी जगह, बहुत साफ सफाई, यहाँ का कल्चर एक नंबर है। और हाँ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी। सत श्री अकाल। गाइस तो सब लोग आ चुके हैं और अब चलते हैं गेट पे। पता नहीं अंदर मोबाइल अलाउड है या नहीं है, पहली बार आए हैं। और एक और बात यहाँ की बताना चाहेंगे कि देखो यहाँ सब फ्री है, जूते रख लो, अपने लगेज रख लो, बाथरूम वाथरूम सब फ्री है। और गाइस इतनी साफ है ना यहाँ पे, सफाई इतनी सफाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन कंट्री में आए। हाँ हमारे उधर इतना ज़्यादा मतलब है नहीं, बट अपने यहाँ पर भी कोई काम नहीं है। क्यों आई है अपने यहाँ पर ही बहुत दूर दूर से आते हैं। गाइस चलते हैं और इधर गेट के बाद से शायद मेरी हाल से फ़ोन नहीं चला देंगे तो फ़ोन रख लेते हैं और अंदर चल के दर्शन करते हैं। उसके बाद अपन आप हम तो हैं समय, हम तो हैं जमीन, हमसे ना कभी। हम तो हैं समय, हम तो हैं जमीन, हमसे ना कभी।
दर्शन कर आए हैं और बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन, घंटे के बाद दर्शन किए, बढ़िया दर्शन हुए, लेकिन एंड में जो प्रसाद मिला ना वो बहुत ही मस्त था। और देसी घी का, देसी घी का ऐसे हाथों में घी भी आ गया, बहुत मजा आया, चिकना चिकना रह गया। तो अब चलते हैं लंगर खाने। हाँ भूख लग रही है बहुत तेज, चलो लंगर लंगर खाने जा रहे हैं। लंगर खाने तो गाइस लंगर खा के आ चुके हैं, बाकी लोग आ रहे हैं पीछे हैं। और बात ये है कि अब हमारा टूर ख़त्म हो चुका है, हम निकलेंगे आज घर, बट उससे पहले मिल गया। चलो बाघा बॉर्डर चलेंगे, बाघा बॉर्डर जाएंगे, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे और जय हिंद जय भारत बोलेंगे जोर से पाकिस्तान।